नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सर्व श्रोतक पर। इसलिए श्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए अब बढ़ते हैं खास विशेष टॉपिक की ओर। वास्तु से चुकता होगा पितृ ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्जा। आइए इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत तरीके के ऋण होते हैं और ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और इस सीरीज में आपको बताएंगे पितृ ऋण, मातृ ऋण यानी कि माता का ऋण, जीवन साथी का ऋण, पर स्त्री ऋण, पर पुरुष ऋण, पुत्र ऋण, पुत्री ऋण, भातृ ऋण, आत्म ऋण, अजन्मा ऋण, क्रूरता ऋण, अजात ऋण, स्वयं ऋण। बहुत सारे ऋण होते हैं अलग अलग तरीके के। तो आज हम बात करेंगे पितृ ऋण की। सबसे पहले ज्योतिषीय कारण जानेंगे, इसके ज्योतिषीय कारण क्या हैं, और उसके बाद में आपको वास्तु के हिसाब से बताएंगे कि पितृ ऋण क्या है और इसकी क्या पोजीशनिंग है। पितृ ऋण कुंडली में बृहस्पति, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति या गुरु अपने पक्के घर 2, 5, 9 और 12 भाव से 12वें भाव में हो या बाहर हो और बृहस्पति 3, 6, 7, 8 या 10 भाव में स्थित हो, और बृहस्पति के पक्के घरों में यानी कि 2, 5, 9 और 12 में बुध, शुक्र या शनि या राहु या केतु बैठा हो, तो व्यक्ति पितृऋण से पीड़ित होता है यानी कि पितरों का कर्जा होता है उसके ऊपर। अब इसका कारण क्या है ये हम जानेंगे। पितृऋण के कई कारण हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रारब्ध के कारण भी यानी कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, कर्म के फल के कारण भी पितृऋण होता है। इसके अलावा तात्कालिक भी पितृऋण पैदा होता है, तात्कालिक यानी कि इसी जन्म अभी। जैसे किसी प्रमुख वृक्ष को अपना मकान बनाने के लिए काटा गया हो, नीम का पेड़। प्रमुख ऋण वृक्ष कौन से होते हैं आपको ये सोच बताता हूँ मैं। और जैसे अपने पास के मंदिर में कोई तोड़फोड़ कर दी गई हो, या कोई पुराना सा मंदिर बना हो, खंडरनुमा मंदिर, और वहाँ पर हमें प्लॉट अलाउट हो गया हो और हमने तोड़फोड़ कर दी हो। इसके अलावा बरगद, पीपल, नीम, तुलसी सहित 7 प्रमुख वृक्षों को काटा या कटवाया गया हो, या पिता, दादा, नाना, कुल पुरोहित, पंडित आदि का अपमान किया जाता है या उनकी सदगति ना हो अपने हाथों से, तो पितृऋण होता है। समाधान क्या है? देखिए, ज्योतिषीय और धार्मिक तरीके से इसका हम समाधान जानेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे पितृऋण की स्थिति क्या है और उसे कैसे वास्तु के हिसाब से, अब आपको और क्लियरिफिकेशन करूंगा कि वास्तु के हिसाब से पितृऋण के क्या सम्मिलित हैं। इस ऋण को कुछ लोग दोष की श्रेणी में भी ले लेते हैं, या इसे पैतृक दोष भी कहा जाता है। कायदे के हिसाब से ज्योतिषीय आधार पर इस दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि सूर्य सबका पितृ है, मूल पितृ है, इसके अलावा सूर्य का उपाय करना चाहिए। इसके अलावा यह उपाय घर के सभी सदस्यों को मिलकर करना चाहिए। कैसे? कि एक लाल किताब का एक तरीका है, उसमें क्या है कि सबसे बराबर बराबर पैसे लिए जाएं। जैसे 100-100 रुपये आपके, जो भी आपके गोत्र में लोग हैं, आपके चाचा के लड़के, आपके चाचा खुद, जो आपके कजन्स वगैरह हैं लेकिन आपके गोत्र के, उनसे पैसा लेना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को बराबर पैसा एकत्रित करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। और पीपल के वृक्ष को लगातार 43 डेज तक, 43 दिन तक पानी अर्पित करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार पितृ ऋण कैसे पहचाना जाता है। देखिए, जब कभी भी आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष आ रहा हो, जैसे कोई टॉयलेट बन रहा हो, जैसे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा हो, जैसे आपकी दहलीज के नीचे से गंदा पानी बह रहा हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पितृ ऋण की स्थिति ज़रूर बनती है। अब इसे पहचाने कैसे? अगर आपके घर के मंदिर में चींटियां आना शुरू हो जाए,
बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आप। अगर आपके घर में मंदिर में चूहे आना शुरू हो जाएं मंदिर में, तो पितृऋण की स्थिति रहती है। अगर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में पक्षी घोंसला बना लें तो पितृऋण की स्थिति है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में भूलवश या किसी भी कारण से टॉयलेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट कोने में, तो पितृऋण की स्थिति बनती है। और ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एक बहुत खास तरीके का ध्यान देना है, वो ये कि इस डायरेक्शन को थोड़ा हरा भरा रखें, बड़े पेड़ ना हों इस पर। और यहाँ पर पितृदोष को दूर करने के लिए गुरु को स्थापित करें। हम गुरु को कैसे स्थापित करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो घर के नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट को हल्के पीले रंग का कराएं, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं। 7x7 के अंदर इस एरिया में जल की व्यवस्था करें। एक तांबे का बड़ा सा कलश रखें और उसमें रोज़ पानी भरें, और उस पानी को फिर वापस अगले दिन पूरे घर में इसका छींटा मार के इसको ढोल के नया पानी भर लें। चाहे छोटा सा लोटा ही भर के रखें, लेकिन निरंतरता से यहाँ जल का वास होना चाहिए। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे वास्तु का महा उपाय जो पितृ ऋण की स्थिति को दूर भगाए, जो पितृ ऋण को चुकता करे। देखिए, सबसे पहले गमले में एक केले का पौधा लेना चाहिए, केली का नहीं, केले का पौधा। जिसमें फल नहीं लगते वो होता है केला, जिसमें फल लगते हैं वो केले का पेड़ होता है। तो पितृ ऋण को दूर करने के लिए एक गमले में आपको केले का पौधा लेना है, और छोटा सा पौधा। और उस पौधे को गमले में डालने से पहले आपको क्या करना है, 1/4 मिट्टी भर लेनी है, और 7x7 के अंदर उस मिट्टी के अंदर आपको 9 सिट्रीन, सिट्रीन को क्या बोलते हैं, पीतमणि, 9 सिट्रीन। नवा भाव जो होता है वो नवा भाव पितृमोक्ष का भाव है, इसलिए 9 का फिगर है यहाँ पे। तो 9 सिट्रीन लेकर के आपको उस गमले में डाल देना, उसके बाद में फिर केले का पौधा लगाना है और उसको मिट्टी से भर देना है, और उसमें नित्य पानी वगैरह देना है। और संध्या के समय सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले उस पर दीपक धूप वगैरह डेली करनी है, और सुबह शाम आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर से पितृऋण की स्थिति दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में आपसे मातृ ऋण के बारे में लेकर ज़रूर मिलेंगे कि माता का ऋण क्या होता है कुंडली में, और वास्तु के अंदर माता का ऋण कहाँ कहा गया है। और ये भी एक तरीके का पितृदोष ही है, ये पितृदोष की सीरीज चल रही है। तो पितृदोष की सीरीज में हम तीसरे एपिसोड में आपको बताएंगे माता के ऋण के बारे में, मातृ दोष के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एक स्रोत तक। नमस्कार।